दोस्तों आज मैं इस फोन का अनबॉक्सिंग करने वाला और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में ही बात करेंगे, वो भी ऑनेस्ट ओवरऑल ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अनबॉक्सिंग करना शुरू कर दिया है। वैसे एक बात लेकिन मानना पड़ेगा, Amazon और Flipkart के कंपैरिजन में, पैकिंग के कंपैरिजन में Flipkart का ज्यादा अच्छा रहता है, हमेशा फ्रेश रहता है। हालांकि Amazon पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, बट फिर भी Flipkart का थोड़ा उससे ज्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए दोस्तों, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से पैकिंग की है। तो ये फाइनली अनबॉक्स हो गया और ये बॉक्स खाली और ये जो है बिलिंग एड्रेस है, इसको हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों, फोन Redmi का 9i, 4GB रैम है इसका और यहाँ पे देखिए Redmi लिखा हुआ है। इसके बैक पैनल पे भी बहुत सारे कुछ है डब्बे पे। फास्टर 4GB रैम है और 64GB इंटरनल स्टोरेज है और आप 128GB यानी 128GB का मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं और 5000mAh की बैटरी है जो कि लॉन्ग लाइफ बैटरी है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इसका जो प्रोसेसर है वो है 2GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर। और बात रही कैमरे की, क्योंकि भाई फोटो तो लेना है ना, तो इसका जो कैमरा है वो है 13MP AI रियर कैमरा और सेल्फी कैमरा जो है वो 5MP है। चलिए फोन को इस बॉक्स से बाहर निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, फाइनली निकल के आ गया हमारा फोन Redmi। फोन को पहले साइड में रख देते हैं और देखते हैं फोन के साथ और क्या क्या दिया है। तो ये जो है, ये है सिम एजेक्टर। इसी पिन के जरिए सिम कार्ड की जो ट्रे होती है वो बाहर निकलती है, तभी हम सिम कार्ड लगा पाते हैं या फिर निकाल पाते हैं। और ये है यूजर मैनुअल, इसमें क्या क्या है बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये है एडेप्टर और ये है यूएसबी केबल। पहले यूएसबी केबल एक्स्ट्रा में देता था क्योंकि उसके साथ अटैच होता था, बट अब क्या क्या है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है इसलिए अलग से केबल ना देके एडेप्टर में ही यूएसबी का स्लॉट दे दिया है ताकि एक्स्ट्रा केबल देने की जरूरत ना हो और हमारे पैसे बच जाए, यानी कंपनी के पैसे बच जाए। दोस्तों ये जो फोन है वो मिडनाइट ब्लैक है और लुक भी काफी अच्छी है इसकी। इसके बैक पैनल पे जो डिजाइन है वो अंगूठे की रेखाओं की तरह है, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। चलिए फोन को स्टार्ट करते हैं। यह हो गया स्टार्ट MIUI और जस्ट अ सेकेंड बोल रहा है और MIUI 12 है ना, इसको नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश नेक्स्ट, इंडिया नेक्स्ट और यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको अग्री करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम दोनों को टिक करके अग्री करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट एस्केप एस्केप फिर एक्सेप्ट हो गया और फिर एस्केप अग्री। हाँ, इसका जो लंजर है वो क्लासिक ही रहने देते हैं। हो गया हमारा सेटअप कंप्लीट और ये जो एप्लीकेशंस है ना वो लोड हो रहा है, ठीक है, इसलिए लोडिंग ऐप शो कर रहा है। लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए थोड़ा सा वेट करें। और ये हो गया, ये देखिए दोस्तों फुल्ली सेटअप हो गया। अब हम सेटिंग्स में जाते हैं और ये क्या सेटिंग्स में, एक सेकेंड, हाँ वाईफाई पहले बंद कर देते हैं और सेटिंग्स में गए, अबाउट पे क्लिक किए। अब यहाँ पे देखिए बहुत चीज़ शो हो रहा है, डिवाइस नेम, स्टोरेज है ना, MIUI वर्जन, एंड्रॉइड वर्जन, एंड्रॉइड वर्जन इसका 10 है, 10QPT है। और यहाँ पे MIUI वर्जन और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल और स्पेस वगैरह सब चीज़ शो हो रहा है। रैम 4GB है, ऑक्टाकोर मैक्स 2GHz प्रोसेसर है, एंड्रॉइड वर्जन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 है और मॉडल इसका ये है। चलिए अब इस स्मार्टफोन से हम एक फ़ोटो खींच के देखते हैं कि कैसा आता है। मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ इसी फ़ोन से, है ना, मैं अलग से फ़ोटो नहीं डाल रहा हूँ बल्कि इसी ये इसी फ़ोन का है। ये देखिए क्लैरिटी, अब मैं जूम करके दिखाऊंगा, ये देखिए। तो कैमरा भी सही है प्राइस के अकॉर्डिंग, एकदम क्लियर दिख रहा है। 5000mAh बैटरी इसका, 4GB रैम है। अगर हम फास्ट की बात करें तो एकदम फास्ट चल रहा है, ये देखिए ज़रा सा भी लैग नहीं कर रहा है और वैसे भी ये नया फोन है। चलिए अब हम बात करते हैं इस फोन को परचेस करने की, ये फोन परचेस करना आपके लिए सही होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये जो फोन है, इस फोन में 64GB इंटरनल स्टोरेज है और 4GB रैम है और कैमरा भी इसका सही है इस प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर आप इस फोन को खरीदते हैं तो सही है, आप चाहे तो फ्लिपकार्ट में सर्च करके परचेस कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जाके आप परचेस कर सकते हैं।
अगर अभी भी मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।